मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा है कि आज हमने दिल्ली की कैबिनेट में दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के गठन को मंजूरी दे दी है। आजादी की 75वीं सालगिरह का भव्य कार्यक्रम, पीएम की अध्यक्षता में सोनिया ममता समेत 259 लोगों की बनी समिति। बीजेपी में शामिल हुए दिनेश त्रिवेदी, जेपी नड्डा बोले अब सही व्यक्ति सही पार्टी में है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सली हमले में शहीद सुरक्षाकर्मी लक्ष्मीकांत त्रिवेदी के परिजनों को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। बिहार के मुंगेर में कासिम बाजार थाना क्षेत्र स्थित मोकाबीरा चाय टोल में रात दो पक्षों के बीच ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। इस वारदात में 3 लोगों की मौत हो गई। केंद्र सरकार पर अखिलेश यादव का निशाना, कहा अहंकार ने दिल्ली के शासकों को अंधा और बहरा बना दिया है। म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट और अशांति की पृष्ठभूमि में भारत ने कहा है कि वह हालात पर करीब से नजर रखे हुए है और इस संबंध में साझेदार देशों से बातचीत भी कर रहा है। टीकाकरण के प्रमाण पत्र से हटेगा पीएम मोदी का फोटो, चुनाव आयोग ने कहा विकल्प तलाशे स्वास्थ्य मंत्रालय। मध्य प्रदेश के इंदौर और भोपाल में संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। इंदौर में तो कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन ने प्रवेश कर लिया है और यहां 6 लोगों में कोरोना का नया स्ट्रेन पाया गया है। दिल्ली में मार्च के तीसरे सप्ताह में शुरू होगी EWUS दाखिला प्रक्रिया।